अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आई हूँ नाइफ नाइफ शो। तो बस से आई थी, तो मैं अभी बस स्टॉप का वीडियो दिखा रही हूँ आप लोग को। ये देखिए, गोलशुक का बस स्टॉप है, गोलशुक बस स्टॉप। तो चले, मैं आप लोग को ये नाइट का व्यू दिखा रही हूँ। ज़्यादा रात नहीं हो रही है, 8 o'clock हो रही है। तो ये वो व्यू है, ये भी देरा में ही आता है, नाइफ शो देरा दुबई। और ये इधर लगी है साइकिल, बाइक भी कहते हैं, पे करें और आराम से जहाँ जाना जाएं और फिर आगे लगा दें। तो हम लोग इधर से रोड क्रॉस करेंगे, तो ये है फुट ब्रिज। तो चले, मैं फुट ब्रिज से चलती हूँ। तो पहले मैं लिफ्ट, इसमें लिफ्ट भी लगी हुई है और सीढ़ी भी, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग आ गए हैं लिफ्ट के पास। और लिफ्ट में पता है क्या हुआ, मैं वीडियो बना रही थी, मैं सोची लिफ्ट में ना मैं आराम से वीडियो शूट कर रही थी। एक बैग मुझे फील हुआ कि ये रही है कि तो ग्लास ही नहीं लगा, पूरा खुला मोबाइल, बाल बाल बच गया, नहीं तो मेरा मोबाइल गिर जाता। खैर कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरा मोबाइल बच गया। खैर कि मोबाइल तो बच गई। अब ये मैं आपको व्यूज दिखा रही हूँ ये ब्रिज की। ये ब्रिज देखें, ये मस्जिद वाली डिजाइन बनी हुई है इस ब्रिज में, और गोल्डन पेंट की हुई है। तो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा ब्रिज है, बट पुरानी ब्रिज है, न्यू तो नहीं है, एक बहुत ही पुरानी है। तो मैं लिफ्ट से आई थी ऊपर और सीढ़ी से नीचे जा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं सीढ़ी से भी व्यूज़ दिखा रही हूँ कैसा है व्यूज़ इधर का। ये देखें, ये भी यहाँ पे भी एक बस स्टॉप है, और हम लोग जिस रूट से आए थे, हम लोग अपोजिट साइड में बस स्टॉप है आना पड़ा। अब इधर हम लोग चलते हैं नाइफ शॉप। यहाँ से ये सब साउथ अफ्रीकन ड्रेस का, मतलब इंडियन भी सारे कंट्री वाले लेते हैं, मुझे लगता है ज़्यादा साउथ अफ्रीकन लोग लेते हैं ये सब ड्रेस, सबके अलग अलग पसंद है। तो मुझे अपने भाई के लिए एक मोबाइल लेना था, मुझे भाई को था कि मुझे दुबई से मोबाइल भेजें, क्योंकि मुझे सामान इंडिया भेजना था। मैं एक शॉप में आई और मेरे भाई को चाहिए था 11 प्रो, रेडमी रियल मी का ये 11 प्रो। तो उस शॉप ने प्राइस सही बताया था, पर हम लोग ने कहा चले कहीं और भी देखते हैं। तो हम लोग इधर सामने आपको दिख रहा है ना, ये होलसेल है रियलमी का। तो हम लोग होलसेल में आ गए। ये देखिए येलो येलो पूरा दिख रहा है, उसकी सारी 11 प्रो लेना था। तो होलसेल में तो ये सारे लोग ना चाइनीज थे, तो हमने पूछा प्राइस, तो उससे ज़्यादा ही बता दिया प्राइस, या उस शॉप वाले ने तो कम बताया, इसने और ज़्यादा बता दिया। खैर कि इसके पास थी और बहुत दुकान में तो थी ही नहीं। तो फिर हम लोग ने कहा चलो अभी पहले कुछ और शॉपिंग कर लेते हैं। मुझे लेना था हिजाब के साथ में जो टोपी पहनते हैं ना, वो लेना था। तो मैंने बोले चले पहले ये ले लेते हैं, उसके बाद मोबाइल लेंगे। तो मैं आ गई इधर हिजाब वाली शॉप पे। तो ये मैंने ये कैप लिया है, ये हिजाब के साथ में यूज़ होता है, तो बहुत अच्छी होती है, मतलब आपको दुपट्टा सरकता नहीं है। वो लाम टाइम तक आप 6 घंटा 7 घंटा भी अगर आप बांध के रखेंगे ना, तो आराम से रहता है। तो फिर ये मैंने लिया है, ज़्यादा महंगा नहीं है, ये सब 5 दरम में ही आ जाती है, मिल जाती है। तो ये दिखा रहा है ना कि उसमें एक पट्टी लगी हुई है और एक में नहीं है, तो फिर मैंने पट्टी वाला ही लिया। तो ये मुझे 21 पीस अपनी बहन के लिए भेजना था, तो मैं तो ऑलरेडी पहले से यूज़ कर रही थी। और बाकी सब है 1 दरम, 1 दरम सॉरी 10 दरम, ये सब 10 दरम और 5 दरम के भी है, बट ये तो मैंने पहले से मैं यूज़ कर रही थी, तो ये सब बहुत ही यूज़ कर लिया था, अभी कुछ नया यूज़ करना था। ये भी पुराना ही है, पर जो यूज़ कर लिया वो पुराना, जो नहीं किया वो नया ही है। तो ये मैंने ले लिया 5 दरम का, और ये सब 20 दरम का प्राइस बता रहे हैं। और ये सब तो मुझे नहीं लेना दिया, इससे पहले मैं ले चुकी हूँ ये 20 दरम का। ये तो चले, ये देखें, ये ऑर्गेंजा फैब्रिक है ना, टिशू कपड़े बहुत लोग बोलते हैं इसको, कितनी तो प्यारी लग रही है, पर कपड़े की क्वालिटी मुझे कोई खास नहीं लगी थी, बहुत हार्ड थी। पर मैंने इसका तो प्राइस नहीं पूछा, बस बाहर लगी थी तो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने इसका वीडियो लिया। चले मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ चप्पल वाली शॉप में, जहाँ से मुझे एक लेना है स्लीपर, स्लीपर टाइप का ही लेना, पता नहीं क्या इस चप्पल को बोलते हैं। तो फर्स्ट मुझे ये शॉप दिखी, और मुझे यहाँ चले देखते, मुझे यहाँ कुछ पसंद आते हैं। ये मुझे थोड़ा ठीक लग रही है कैजुअल यूज़ के लिए। तो ये और सबकी प्राइस 30 30 दरम ही बोल रहे हैं, 35 धरम सॉरी 35 धरम। तो मुझे वो ग्रीन वाली अच्छी लग रही थी, और ये वाइट वाली भी बहुत प्यारी लग रही है। खैर कि मैंने कहा कि चले इसे ले लें। फिर मैंने ये 40 धरम, इसकी 40 धरम बताया, इंडिया का रख ले आप लोग 850, और ये जो स्लीव जो
ये सब है ना जिसमें हिल नहीं है, तो ये 30 धर्म बोल रहे हैं 650 लगभग में आएगा। ये मुझे अच्छी लग रही थी, मैं बोली चलो ये ले लेती हूँ, ये भी मैं अपनी बहन के लिए ले रही थी। तो मैंने कहा चलो कुछ और शॉप में लेते, तो मैंने इसका 30 धर्म बोला तो नहीं 35। मैं बोले मैं तो इससे पहले लेकर हूँ और मैं जो यूज़ भी करी वो भी 30 धर्म में ही मैंने लिया है। तभी मैं आ गई दूसरी शॉप में और इस शॉप वाले ने भी मुझे वही काम किया, उसने भी सारे स्लीपर का सेम दाम 35-40 दाम बताया, बोला लास्ट 35, उससे कम नहीं करेगा। मैं बोली नहीं मैं तो 30 धर्म में इससे पहले ख़रीदी हूँ। तो फिर तो मुझे तो यहाँ तो स्लीपर सब ही अच्छी लग रहे थे, और उसने कहा ये जितने भी बिना हील वाले लेंगे सब 35 में ही देंगे, और हील वाले के साथ 40, 45, 50 डिज़ाइन के ऊपर है। पर महंगी दे रही थी, इतना तो है मुझे पता कि महंगा महंगा ही दे रहा था। तो फिर मैंने कहा 30 दे दें लास्ट, तो उसने नहीं माना। और मुझे वो ये जो ब्लैक वाली दिख रही है ना मुझे ये पसंद थी, तो मैं इसे डन की, मैंने कहा ये दे दें 30 में। ये वाली भी देखे कितनी प्यारी लग रही है, शायद वीडियो में नहीं आई है, देखे मैंने लास्ट 30 बोला तो नहीं। मैं बोली दोनों शॉप में मैंने कहा 30 दे, दोनों में कोई भी नहीं दिया, वह हस्बैंड बोल रहे ले लो, अगर 30 में नहीं दे रहे इसका मतलब उसे 30 में नहीं आ रहा है, ये शायद 50 में बताया। ये भी सिंपल सी ठीक थी पर हील में तो लेना नहीं था। फिर कहा कि ले लो, मैं बोली नहीं मैं 30 में ही लूंगी। फिर मैं आ गई ये दूसरी शॉप में, मैं ईद में आई थी, ये रेड वाली मैंने स्लीपर देखा था, वो मैंने उस टाइम उसे 25 बोला था, नहीं दिया था ईद में, तो नहीं दिया था। अभी मैं आई हूँ तो मुझे लग रहा है कि वो दे देगा, क्योंकि उसने बोला है 30 धर्म प्राइस, तो मेरे मुँह से निकल गया कि 25 दे दे, बस उसने दे दिया। और ये सभी सारे स्लीपर अच्छे लग रहे हैं। मैं बोले चलो मैं ईद में ही पसंद करके गई थी, ये सिंपल से है, तो खैर मैंने वो रेड वाला ही ले लिया, वो 25 में ही दे दिया। 25 में दे दिया तो वो कितना 500, 550 लगभग आएगा ये प्राइस। पहले 20 का रेट चल रहा था इंडिया का, तो अच्छा कैलकुलेशन हो जाता था डायरेक्ट, अभी 22 पॉइंट, तो कभी 23 ये सब हो जाती है। तो ये सब है 40 धर्म की, 40, 50 ये सब। कोई कोई शॉप वाले तो सीधा 70 ही प्राइस बता देते हैं, फिर आप कितना कम करवाएंगे, पर ये सब 40 ठीक है, पर बहुत ही मुझे लगता नहीं ये सब महंगे ही देते हैं, उससे अच्छी तो मॉल में मिल जाती, पर मॉल में इतनी नहीं होता, इतना तो मुझे नहीं मिलती है। खैर मैंने वो रेड वाली मैंने ले लिया है, हो गई है चप्पल की शॉपिंग, और मैंने हिसाब के लिए कैप भी ले लिया है। और ये देखें ये सब गाउन वगैरह का, ये सब गाउन के कपड़े ये, और इधर ज़्यादा ना ये वाली गली में ना ये नाइफ सूक के बैक साइड का है, यहाँ चप्पल की शॉप और पर्स की बहुत ज़्यादा शॉप है। मुझे यहाँ एक स्लीपर दिखी, ये देखो कितना प्यारी, पूरा ये पार्टी वेयर के लिए बहुत अच्छी, हाई हील और इसमें स्टोन भी लगी हुई थी। खैर मुझे तो लेना नहीं था, मैंने इसकी प्राइस नहीं पूछी। इस शॉप में गई, मुझे यहाँ कुछ यूनिक सब चीज़ दिख रहा था, इतनी स्टोन लगी हुई, मैंने कहा चले इसकी प्राइस पूछते हैं। उन्होंने कहा कि आपको कैसा चाहिए, मुझे मुझे कैसा चाहिए, आप ये सब की प्राइस तो बताए, तो प्राइस ओ माई गॉड 300, 400, ये सब पर्स 200, मतलब 100 की तो बात ही ना करें, 100 की, ये 100 से एवं ऊपर। खैर नहीं लेना था, मैं बोले चलें जिसे पसंद है वो आके ले जाएंगे। हमारी हो गई थी इधर से दो चीज़ की शॉपिंग कंप्लीट, तो फिर हम लोग इधर आ गए दूसरे मार्केट में। ये सब देखें, ये सब ब्रांडेड नहीं है, पर ब्रांडेड की कॉपी वाली कॉस्मेटिक इधर मिलती है, और ये हिजाब के दुपट्टे वगैरह इधर सारे मिल जाते हैं। तो ये सब कॉस्मेटिक भी अच्छी होती है, ऐसा नहीं है ख़राब है, सबकी अलग अलग पसंद है। इधर अब आए, ये तो पूरा मार्केट ही है नाइफ सुख की, ये सब की ही है। और ये तो हिजाब पिन, हिजाब के साथ में जितनी चीज़ यूज़ होती हैं हेयर बन, वो सब भी है सारे शॉप में। तो मुझे तो नहीं लेना था, तो मैंने ये सब, मैं मुझे जब जो चीज़ लेना नहीं होता मैं उसके प्राइस भी नहीं पूछती हूँ। खैर मैं आप लोगों को बस मैं वीडियो दिखा रही हूँ कि इस तरह की मार्केट है यहाँ दुबई की, जो रहते हैं वो तो विज़िट कर सकते हैं, जो नहीं रहते वो देख सकते हैं कि हाँ दुबई की मार्केट हम लोग के होम कंट्री के जैसा भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही सब लग्जेरियस है, हम लोग के कंट्री में इस तरह की शॉप होती है। तो ये एक मुझे हिजाब शॉप दिखी, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना सारा हिजाब। तो खैर मैं आपको ये इसकी प्राइस नहीं बता सकती, पर वही है 10, 15, 20 में ही आएगा। मैं भी इस ये सब की प्राइस नहीं पूछी थी, अच्छी लग रही थी। ये एक देखे कैप लगी हुई है, ये मैं पूरा मार्केट का व्यू ले रही थी, ये देखे ऊपर से मैंने लिया है। और ये सब ड्रेस है, ये साउथ अफ्रीकन कंट्री का मुझे ड्रेस लग रहा है, और ये मैक्सी भी बोलते हैं ना, ये सब
ये तो लोग अरबिक लोग भी पहनते हैं। तो पहनना तो कोई भी कपड़ा किसी भी कंट्री का पहन लेते, इसमें तो कोई ये नहीं है। और ये भी देखें, ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, मैं इससे पहले भी वीडियो में बनाई थी। और इसे नकाब के ऊपर यूज़ करते हैं, ड्रेस के ऊपर भी यूज़ करते हैं, आप जिस तरह से चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके प्राइस 100 बताया है। क्वालिटी के ऊपर इसके किस तरह का इसमें पर्ल लगा है, ये कटदाना लगा है, ये कटदाना से बना है ज़्यादा, तो प्यारी लग रही थी। 100 दिरहम में इन्होंने बताया है। तो हम लोगों की हो गई शॉपिंग कंप्लीट। तो फिर मैं आ गई मोबाइल शॉप में, क्योंकि बोले कि चले मोबाइल फिर ले लेते हैं, कई शॉप में पूछा तो नहीं मिला। फिर हम लोग ने उसी शॉप में आकर फिर मोबाइल ले लिया हम लोग ने। तो ये मैंने अपने भाई के लिए मोबाइल लेकर आ गई मैं घर पर। मैं आप लोग को अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ। और खैर मैं तो भूल गई, मैं आप लोग को जो मैं स्लीपर रेड वाली लेकर आई हूँ और एक कैप, मैं उसका वीडियो नहीं शूट कर पाई। और सारा सामान इंडिया पहुँच चुका है, मतलब पहुंच चुका नहीं है, पहुंचने वाला है, अभी तक पहुंचा नहीं है। तो वीडियो तो अपलोड करने में टाइम लग जाती है, 1-2 दिन एडिटिंग में। तो कैसा लगा हम लोगों का ये वीडियो शॉपिंग की? मैं थोड़ा थोड़ा शॉपिंग करती हूँ, आप लोगों को वीडियो शेयर करती हूँ। तो मोबाइल मिल गई है, ये तो मोबाइल 1000 का दिया है, इंडिया का 22000 हुआ। तो कैसा लगा ये वीडियो? फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।